लोकसभा चुनाव के बाद बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, लोकसभा चुनाव का परिणाम जब से आया है, सत्ता पक्ष जहाँ अपने कम सीटों को लेकर मूल्यांकन कर रहा है, वही विपक्ष सीट बढ़ने पर खुशी मना रहा है। मुख्यमंत्री योगी पिछली बार गोरखपुर आए थे तो कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज भी किए थे, उनकी बात को सुना था और चुनाव को लेकर मूल्यांकन भी किए थे। इस बार भी जब वो गोरखपुर पहुँचे तो मंदिर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विधानसभा वार सभी कार्यकर्ताओं को बुलाए और कहे कि कार्यकर्ता जो वोट मिला है, जो वोट में कमी आई है, क्यों आई है, इस पर समीक्षा करें। 2014 में लोकसभा चुनाव गोरखपुर 3.25 लाख वोट से जीते थे, 2019 में 3 लाख से अधिक वोट से जीते थे, तो 2024 में क्या ऐसी स्थिति आ गई कि वह अंतर 1 लाख पर सिमट गया। इसके लिए कार्यकर्ता बूथवार समीक्षा करें कि किस कारण से वोट खिसका, क्या विरोधियों ने गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनके संगठन के लोग थे जो भ्रमजाल फैलाया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, उसके नाते जो वोट है वो भ्रमित हुआ, उनकी तरफ चला गया। यही नहीं, उन लोगों ने जो सजबाग दिखाया कि हर गरीब महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा, 8,500 रुपया महीना पहुंचेगा, इसके लिए उन लोगों ने फार्म ही भरवाया, इसके भी चुनाव के समय बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी। ये जानकारी लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जब महिलाएं पैसा लेने के लिए कांग्रेस और सपा के कार्यालयों पहुंचने लगी तब जानकारी हुई कि इस तरह का भी सब्जबाग दिखाया गया था। तो योगी ने कार्यकर्ताओं से मिलकर यही कहा कि इन सब भ्रमजाल को तोड़ें, भाजपा सरकार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, उसके रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बातें जनता के बीच बताएं और पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार रही है या प्रदेश में सपा की सरकार रही है उसकी बातों को भी जनता को बताएं कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने किस तरह से संविधान को अपने अनुरूप करने के लिए 75 से अधिक संशोधन किए, अपने मनमाफिक किया, संविधान पर संकट तो उन लोगों के चलते है, यही नहीं तमाम घोटाले किए, जो गरीब और ज़रूरतमंद थे उनको उनका हक नहीं दिया गया। ये सब बातें जनता के बीच में जाएं और बूथवार समीक्षा करें कि किस कारण से जो हमारे मतदाता थे वो क्यों छिटके, उनकी क्या नाराज़गी का कारण है, क्यों रूठे, उनको दूर करें, उनको मनाएं और नए लोगों को जोड़े भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 भले 3 साल का है, अभी अंतर है, लेकिन अभी से इस पर जुट जाएं। और 2017-2022 में विधानसभा चुनाव में बूथवार किस तरह से जनता ने वोट दिया था उसका मूल्यांकन करें और 2019-2024 में लोकसभा चुनाव में किस तरह से वोटों का अंतर घटा बढ़ा इसको भी देखें और हर हाल में जनता को, मतदाताओं को जोड़ें और उन्हें आश्वस्त करें कि यह सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, जनता के हित में कार्य करने वाली सरकार है, कहीं से किसी का अहित नहीं होने वाला है। इसी दौरान मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कुछ व्यापारी भी मिले, इनकी दुकानें असुरन से पिपराइच रोड पर स्थित है, असुरन और पिपराइच रोड 4 लेन की बनने वाली है, ये 27.5 मीटर पास है 4 लेन। व्यापारियों ने मिलकर अपनी पीड़ा बताई, कहा कि यदि इतना चौड़ा सड़क बनेगी तो हम लोग की दुकानें और कुछ मकान भी उसकी जद में आ जाएंगे जिससे नुकसान होगा। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया और सड़क की चौड़ाई 7 मीटर घटाकर 20.5 मीटर करने की बात कही और उसके बाद भी कहे यदि किसी व्यापारी की दुकान या कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए GDA या नगर निगम जिसके भी जद में आए वो कॉम्प्लेक्स बनाकर इन दुकानदारों को दुकानें आवंटित करें, उनको एडजस्ट करें, कहीं से भी जनता का नुकसान नहीं होना है। और इस यही बात कार्यकर्ताओं को भी बताए कि सबकी बात सुने, जो भी हमारे मतदाता हैं जो रूठे हुए हैं उनको मनाएं और सरकार की नीतियों को बताएं और पूर्ववर्ती जो कांग्रेस और सपा की नीतियां थीं जन विरोधी उसको भी लोगों को बताएं ताकि जो उनके मन में खटास है, जो दूरी है वह ख़त्म हो और 2027 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें भाजपा पूरी मजबूती से लड़े और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर तीसरी बार बनाए। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर संदीप कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।